नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेबी एंड चाइल्ड केयर पर। दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है यानी कि जब बच्चा नवजात होता है तो आपने देखा होगा कि उसके शरीर पर बाल होते हैं, छोटे छोटे काले काले बाल होते हैं और सभी माओं को और दादी माओं को या पूरी फैमिली को लगता है कि ये बाल अच्छे नहीं हैं, इसे हमें हटा देना चाहिए। और बहुत सारे घरों में क्या होता है कि बाल हटाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि आटे और गुलाब जल और कच्चा दूध को मिला के उपटन बना लेते हैं, या फिर बेसन को हल्दी को मिला के उपटन बना लेते हैं, या फिर बेसन में दही डाल देते हैं या बेसन में मलाई डाल देते हैं। लेकिन बाल हटाने के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत तरीके से उपटन बना के बच्चे के शरीर पर लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है बाल हटाने के लिए। तो दोस्तों, क्या जो बच्चों के शरीर पर बाल आता है उसको आप सच में हटा सकते हैं? ये उपटन से क्या सच में बाल हट सकते हैं? और इसके अलावा क्या बाल जो बच्चों के आते हैं वो ठीक है या फिर नहीं है, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों के शरीर पर घना बाल ही हो, किसी के कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ये वंशाणुओं के कारण होता है। दोस्तों क्या होता है कि हर एक चीज़ पर जो वंश का प्रभाव जरूर पड़ता है। दोस्तों मान लीजिए किसी खानदान में सभी के घने बाल हैं तो दोस्तों उसका बच्चा भी तो ऐसे ही होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपके बाल घने हैं पूरे शरीर के तो हो सकता है कि आपके बच्चे के बाल भी घने होंगे, ठीक है। तो ये वंश के कारण होता है। हम क्या सोचते हैं कि बच्चे के शरीर में बाल हैं, आगे चल के जब बड़ा हो जाएगा तो बाल और बड़े हो जाएंगे और बुरा लगेगा, बहुत सारी बातें सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे 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 करके जो है आप इन चीज़ों पे से दिमाग हटा लेते हो, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं आपके सामने और भी समस्याएँ आती हैं तो आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उस समय इस बात का बहुत टेंशन रहता है। आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगी कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि बच्चे के शरीर पर कितने सारे बाल हैं और आगे चल के ये बाल और बड़े हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और बुरे लगेंगे, भद्दे लगेंगे। और दोस्तों उसी समय हम क्या करते हैं कि बच्चों पे नए नए तरीके अपनाते हैं ताकि वो जो बाल हैं वो हट जाएँ। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आप कितने भी उपटन बना के लगा लीजिए, वो बाल पहले तो हट जाएंगे लेकिन दोस्तों जो बाल हैं वो फिर से उगाएंगे, क्योंकि उपटन से ऐसा नहीं होता कि बाल अंदर से तो निकलता नहीं, ऊपर से ही निकलता है, फिर क्या होता है कि बाल फिर से आने लग जाते हैं। तो आपके उपटन का कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर होता है कि आपके बच्चे को परेशानी होती है, क्योंकि देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरी सासू माँ क्या करती थी, उसे जो है बेसन से नहवाती थी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा रोता था, बच्चा पैदा ही हुआ है आप उसे बेसन से नहवाएंगे और रगड़ करके नहवाते हैं ताकि बाल हट जाएँ। आप खुद सोचो यार, इतनी कोमल त्वचा होती है बच्चों की, ऊपर से क्या होता है कि बेसन इतना खुरदुरा होता है, उसके शरीर पे बिल्कुल रेडनेस हो जाता था और वो बहुत ज़्यादा रोता था। सब ये बोलते थे कि बच्चे नहाने के बाद रोते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि वो बेसन की वजह से रो रहा है, क्योंकि बेसन इतना ज़्यादा खुरदुरा होता है और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रगड़ के नहाती थी। तो दोस्तों मुझे लगता था कि ये ठीक नहीं है। तो क्या हुआ कि हम डॉक्टर के पास गए ही थे कुछ दिन के बाद, तो मैंने डॉक्टर से पूछ ही लिया कि मैम एक बार बताइए इसे जो है हम बेसन से नहाते हैं वो ठीक है या फिर नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा, बोला कि अभी बच्चा इतना छोटा है, अब तुम इसे बेसन से नहा रहे हो, बेसन कितना खुरदुरा होता है और तुम्हें किसने सलाह दिया ऐसे ऐसे। मैंने कहा मैम ऐसा नहीं, हमारे घर में शुरू से ऐसे बच्चों को नहाया जाता है। बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कम से कम 3-4 महीने का हो जाएगा उसके बाद तुम करना, उसके बाद ही मत करना, लेकिन अभी तो बिल्कुल मत करो। हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा साबुन भी मत लगाओ उसे, क्योंकि बच्चों को नहवा दो वो ठीक है, लेकिन ये जो तुम उपटन बना के लगाते हो वो बहुत खतरनाक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को रैशेस हो जाएंगे और बच्चे को जलन मचेगी, चकते हो सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को बंद करो। और उन्होंने ये भी बताया मुझे कि जो दूध होता है कच्चा दूध, उसमें ई कॉली और साल्मोनेला जैसे जीवाणु हो सकते हैं और ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इससे क्या हो सकता है कि आपके बच्चे को दस्त यानी कि डायरिया, पेचिस वगैरह की परेशानी हो सकती है, उसे ये बीमारी लग सकती है। तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ऊपर से बच्चा बिल्कुल कंफर्ट नहीं होता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो अपने आप ठीक होता चला जाएगा, टेंशन मत लो। तो दोस्तों बेसन लगाना बंद कर दिया बेबी को और उसके बाद साबुन से ही नहाते थे उसे। लेकिन दोस्तों कई जगह उपटन कैसे बनाया जाता है, आटा लिया जाता है, आटा में जो है गुलाब जल डाला जाता है, इसके अलावा कच्चा दूध डाला जाता है या फिर मलाई डाली जाती है और उस उपटन को जो बच्चे के शरीर पर लगाया जाता है और उसको सूखने दिया जाता है। जब वो सूख जाता है तो उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद फिर उसे रगड़ रगड़ के साफ़ किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं बच्चों को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। बच्चा रोता है, हमें लगता है कोई बात नहीं, बच्चे के बाल तो हट जाएंगे, लेकिन आप खुद सोचो कितने तकलीफ में होगा। और बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने कोमल होते हैं, इनकी त्वचा कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मुलायम होती है, तो उन पर अगर इन चीज़ का उपयोग करेंगे तो सोचिए उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। और दोस्तों बाल दोबारा से वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए बाल हटाने के लिए आप उल्टे सीधे तरीके अगर आपके घर में भी अपनाए जाते हैं तो मत कीजिए। अगर आप माँ बन चुकी हैं तो आपको पता ही होगा कि ऐसे कुछ होता नहीं है,
बाकी दोस्तों, अगर आप माँ बनने वाली हैं, अभी आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपका बेबी होता है दोस्तों, और आपके घर में भी नियम है कि किसी तरह का उपटन बना के बच्चों को लगाना है, रगड़ना है, उससे बच्चों के बाल हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। बाकी दोस्तों देखिए, आजकल बहुत सारे तरीके होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने आप नए तरीके ढूंढ लेते हैं, तो वो तरीका बाद में अपना लेंगे, लेकिन आप अगर कुछ तरीका अपना रही हैं तो बच्चे पर अप्लाई मत कीजिए, खासतौर से जब आपका बच्चा पैदा ही हुआ है तो, क्योंकि उससे बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी आपके बच्चे को। और आपको करना ही है तो आप आफ्टर 3 मंथ्स के बाद थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल अप्लाई ना करें, और उसके बाद भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, जो बाल हटने होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, फिर भी आपको टेंशन है तो मेरे हिसाब से एक बार जो आपके बच्चे का डॉक्टर है उससे बात कीजिए, उसे दिखाइए, उनसे पूछ लीजिए कि देखिए इसके इतने ज़्यादा बाल आ रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर सच में बाल ज़्यादा होंगे तो आपको कुछ ना कुछ दवाई बता देंगे, अगर नहीं होंगे तो आपको बता देंगे कि कोई टेंशन की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो आप ये काम कीजिए, लेकिन बच्चे पे इस तरीके से कुछ अप्लाई मत कीजिए जो उसको नुकसान करे। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।